तो वही बहुत दिनों के बाद आज इस वाली ट्रेन में मैं ट्रेवल करने वाली हूँ, और ये ऐसे भाग भाग के ही पकड़ते ट्रेन। और यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तो वही सब्जी मंडी वाले स्टेशन पे आ गए हैं, और ये देखो हमारी फ्रेंड मिली है। ट्रेन में हम पहले एक साथ में हमारा ग्रुप होता था, जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो अभी मैं उससे मिलने जा रही हूँ। सो गाइज, आज का दिन मेरा सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, फेस अजीब सी तरह से, मतलब कभी ऑयली हो जाता है, कभी ड्राई सा हो जाता है, कभी चिपचिपाहट भरा हो जाता है, बट एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम आप आपके स्किन का क्या रूटीन रहता है कि जो आपका स्किन इतना ग्लो करता रहता है, चाहे आप गर्मी में निकल लो, चाहे आपका कैसा भी मौसम हो, क्योंकि मेरा स्किन सीरियसली बहुत अच्छा रहता है। रीज़न ये है कि बहुत लोगों को पता है जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मैंने बहुत टाइम से बताया हुआ है कि भाई मैं क्योर स्किन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और रीज़न ये रहता है कि भाई क्योर स्किन जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट है। क्योर स्किन एक ऐप है जहाँ पे आप इजीली डॉक्टर से बात कर सकते हो, और डॉक्टर से बात करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। प्रॉपरली वो आपको बताते हैं, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, कैसा भी वेदर रहता हो, स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देते हैं, वो बहुत सूटेबल रहते हैं आपके फेस के लिए। और सबसे अच्छी बात जो होती है वो डाइट प्लान बताते हैं आपको कि प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए आपकी, उसमें भी कोई चार्ज नहीं लगता है। और भाई बहुत जैसे गर्मी होती है तो भाई पानी की कमी हो जाती है और वो फेस पे दिखने लग जाती है, तो वो एक कंसल्ट करते हैं आपको कि प्रॉपर पानी आपको कितना पीना चाहिए, क्योंकि पानी को हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, और पानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो आपको डाइट में मिनरल कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, वो डाइट आपको बताते हैं जैसे आप उनसे बात करोगे। क्योर स्किन ऐप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, आप वहाँ से जाके इजिली यूज़ कर सकते हो, और आप अपनी जो भी आपको स्किन प्रॉब्लम है आप उनको बता सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप जब धूप में जाते हो तो आप कौन सा यूज़ करते हो, तो ये क्योर स्किन सनस्क्रीन है, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करती हूँ। दिन के हिसाब से मेरे यही रहता है, फेस वॉश के बाद क्योर स्किन, तो उससे देखो फेस में बिल्कुल भाई जो सन्स हीट होती है फेस पे सीधी डायरेक्ट जाती है, तो उससे ये बिल्कुल ऐसे कवर रखता है, और सीरियसली मेरे फेवरेट हो गया है ये वाला। गाइज आप देख सकते हो ये मेरी लेफ्ट में जो फोटो है ये मेरी स्टार्टिंग की है, जब मैंने डॉक्टर से बात की थी स्टार्टिंग में मेरे को कितने डार्क स्पॉट थे, और अब आप देखो मेरे जो राइट हैंड साइड है उसमें मेरे को अभी बिफोर एंड आफ्टर आपको कितना फर्क दिख रहा होगा, तो ये देख लो, और ये रियल में भी आप देख सकते हो। मैं बता दूं कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट जाके आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी होगी, फिर डॉक्टर से आपको चैट करनी पड़ेगी, चैट में आपसे पूछेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो फोटो क्लिक करके देना पड़ेगा राइट साइड का, फ्रंट का, इस लेफ्ट साइड का, वो आपके स्किन को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपके फेस में, पिगमेंटेशन रहता है, डार्क स्पॉट रहता है, डार्क सर्कल रहता है, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको कैप्चर करके प्रॉपरली आपको बताएंगे कि आपके फेस में ये प्रॉब्लम है, और उसी अकॉर्डिंग वो किट प्रोवाइड कराएंगे। डाइट प्लान का कोई चार्ज नहीं है, आप डॉक्टर से बातचीत करोगे उसका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज लगेगा सिर्फ आपकी किट का, बट उसके लिए भी मेरे पास आपके लिए ऑफर है, तो मेरा कूपन कोड है कौशिक300, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। अगर आप कौशिक300 आप यूज करते हो, क्यों जो पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर होंगे ऐप डाउनलोड करेंगे तो उनको 300 का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो, तो जल्दी से जाइए, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है। मैं हमेशा बताती हूँ क्योर स्किन के बारे में क्योंकि मेरा फेवरेट बन चुका है, तो आप अपना भी फेवरेट बना सकते हो, तो जल्दी से जाके क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर लो। हेलो जी, नमस्ते, राम राम जी सभी को। भाई आज मैं व्लॉगिंग यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ, गली से भाग रही हूँ, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद ट्रेन का सफ़र, मुझे बहुत मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे अपना वो पहले वाला टाइम याद आता है जब हम भाग भाग के ट्रेन पकड़ते थे, और आज की कंडीशन वो ही हो रही है सेम, आज हमें भागना पड़ रहा है ट्रेन के लिए क्योंकि राठदाना से चल पड़ी है ट्रेन, फिर राठदाना से अगला नरेला स्टॉपेज हो रहा है, तो देखो मेरी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं दिल्ली जा रही हूँ, और किस लिए जा रही हूँ वो आगे आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा।
तो अभी भाग के मैं ट्रेन पकड़ लेती हूँ, ठीक है। मैं अपनी बहन का वेट कर रही, जब वो आएगी जब भी चलूँगी आगे। हेलो ना। तो भैया देख लो मेरी बहन, वैसे बहुत ज़्यादा, वैसे मेरी बहन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट ये अपना मेरे व्लॉग में कभी आके खुश नहीं होती। तो भाई बस हॉर्न दे दिया है ट्रेन ने, अभी मैं दिखाती हूँ। पता नहीं इतने दिनों के बाद मुझे भाग भाग के ट्रेन पकड़ना पड़ रहा है। ये भैया देख लो मेरी ट्रेन आ चुकी है। तो भाई बहुत दिनों के बाद आज इस वाली ट्रेन में मैं ट्रेवल करने वाली हूँ, और ये ऐसे भाग भाग के ही पकड़ते ट्रेन। तो भाई सीट मिल गई थी और ट्रेन में अभी बैठी हूँ, लेट लगा के सो सुन रही थी, मैं सीट बनाने भूल गई थी। तो अभी दो स्टेशन बाद मेरा स्टेशन है, तो ये देख। और यहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। लो भाई हमेशा की तरह ये ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। तो भाई सब्जी मंडी वाले स्टेशन पे आ गए हैं, और ये देखो हमारी फ्रेंड मिली है ट्रेन में। हम पहले एक साथ में, हमारा ग्रुप होता था, तो उसमें ये ग्रुप के हमारे पार्ट है। बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दी, अब इनकी इनका स्टेशन अलग है, मेरा स्टेशन अलग है। तो साथी लेना, ये देखो भाई आ गए अपने मेट्रो स्टेशन प्रताप नगर। तो भाई आज ट्रेन के साथ साथ में मेट्रो की भी सवारी कर रही हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आपको पता ही है, आप लोगों को मैं पहले वो बता चुकी हूँ कि मुझे गाड़ी से ज़्यादा मुझे ई रिक्शा, ट्रेन, बस, मेट्रो ये सब पसंद है, मुझे ये सब पसंद है। तो भाई अच्छा लग रहा है आज, और काफ़ी टाइम बाद मैं ट्रेन में ट्रैवल किया, तो पुरानी वाली फ्रेंड्स भी मिली, दी भी मिली, तो अच्छा लगा कि यादें ताज़ा हुई। इतना अच्छा लगता था जैसे भाग भाग के ट्रेन पकड़ना, भाग भाग के मेट्रो पकड़ रहे हैं। तो अभी एक सरप्राइज हो रहा है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। तो इतना आप मेरी जर्नी देखते रहिए और बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, और अभी हम उतरने वाले हैं। तो भाई हम अभी उतर लिए हैं शास्त्री नगर, और अभी मैं एक सरप्राइज था, वो सरप्राइज मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अभी मैं उससे मिलने जा रही हूँ, और वो कौन है तो मेरे ब्लॉग में बने रहे और देखते रहे। तो मैं अपनी तो बना लूँ वीडियो भाई, हम या खुद भी मेरे ब्लॉग में नहीं आ रही है ना, मैंने वीडियो बना दे रही है। तो मैं एक वीडियो बनाऊँगी ताजमहल देख के, अपनी रील बनाऊँगी। इस छोरी ने बना नहीं दिया, इतनी बकवास लड़की ने लेकर आ रही हूँ। मेरी बहन से इतना ही बढ़िया थी, पता नहीं मुझे वो कब मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ, बहुत ही अच्छा वो है यार, डिंपल बना दे पार्क राम। तो यार मैं मेरी रील बना देती हूँ जिस खातर आ रही है तू, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, कोई हमारे लिए आ रहा है, कौन आ रहा है। मेरे वीडियो पे बने रहे, मेरे ब्लॉग में बने रहे और देखते रहे। एकदम तो पोस्ट होगा, बने रहे तो हो जाओगे, की बात होगी। तो भाई मैंने ई रिक्शा ले ली थी, और अभी मैं अंदर मार्केट में जा रही हूँ। इसका वेट था, वो वहाँ पे तो नहीं आया, आगे देखते हैं। तो भाई हम आ गए हैं गांधीनगर, तो हमें यहाँ पे कुछ काम था भाई, मार्केट का काम है। कभी मेरा कोई फोन उड़ा ले जाए तो मुझे डर सा रहता है, क्यों उसको मैं उड़ा दूंगी। और मुझे सोफा कवर लेने थे, तो मुझे फाइनली सोफा कवर मिल गए हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन जाके देखती हूँ, क्योंकि अभी मुझे फिर से भाग के ट्रेन पकड़नी है, बठिंडा आने वाली है बठिंडा के लिए। तो वही पकड़ी है सब्जी मंडी से, तो जल्दी से चलते हैं, और अभी भी लेट हो गई। तो भैया आ गए, और इतनी ज़्यादा भाग भाग के आए, इतनी ज़्यादा भाग भाग के आए, बस पूछो मत। आपने देख लो कुछ भी नहीं खाया, सुबह से डिब्बे कुछ खवा तो दे, कुछ भी नहीं खाया है भाई। वापस जिस स्टेशन पे आए थे उस स्टेशन पे वापस आ गए हैं, और भूख लग रही है, तो भाई मैं कुछ पीऊँगी ठंडा। फाइनली मुझे कॉर्नर वाली जगह मिल गई है। भैया आते 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 हालत ख़राब होगी यार, सीरियसली ट्रैवल करना इतना इजी नहीं है। और अभी मैं देखती हूँ मेरे बच्चों का रिएक्शन क्या होगा, अभी मैं मिली ही नहीं हूँ सुबह से, आज गायब हूँ, तो देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। मेरे रियांश का रिएक्शन आज ही मेरे बिना कैसा रहा बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा तुझे,
अले भाई रियांश और नेवान खुश हो गए बहुत टाइम बाद। ऐसे मैं छोड़ के गई थी इनको, इनको बिल्कुल भी मेरे को आदत नहीं है, इनको मेरे बिना रहने की आदत नहीं है। तो थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है भाई जब मम्मी थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाती है, सभी को होती है। तो आज रियांश का फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने टाइम बाद, मतलब इतना टाइम इससे दूर रही हूँ, बट ये रोया नहीं क्योंकि मेरी नानी ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने इसको संभाल लिया। डन, आगे से रह लेगा ना, माँ के पास रह लियो, ठीक है।